Assalamualaikum and welcome back to my channel. It's me, Nishu Khan. कैसे हैं आप सबके सब? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं आज आप लोगों को सैफ्रन के बेनिफिट्स बताऊंगी कि सैफ्रन के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आप उसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हो. तो मेक श्योर आज की वीडियो जो है वो एंड तक देखो, स्किप मत करो. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर सब्सक्राइब करिएगा, यानी रेड बटन जो है उसको क्लिक करिएगा और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी वीडियोस देखें आप सबसे पहले. सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सैफ्रन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सैफ्रन होता क्या है? सैफ्रन को केसर कहा जाता है उर्दू में. और केसर जो है आप अपने स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो, अपनी हेल्थ के लिए यूज़ कर सकते हो, इसे एज अ मेडिसिन आप खा सकते हो. तो फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगी कि आप एक हेल्दी ड्रिंक ले सकते हो अपनी ग्लोई स्किन के लिए, जिसके लिए आपको चाहिए एक कप दूध और उसमें आप मिलाएंगे थोड़ी सी केसर पाउडर. यानी आप केसर को मैश कर लो, अच्छे से उसको पाउडर बना लो और उसको आप दूध में मिला लोगे तो केसर जो है उसका बहुत ही प्यारा सा येलोइश कलर होता है. मिक्स करने पर जो है दूध बिल्कुल येलो कलर का हो जाएगा. ये आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा. अगर आपको भूख नहीं लगती तो आपकी भूख को बढ़ाएगा. उन लोगों को जिनको नींद नहीं आती तो वो एक गिलास गर्म दूध का रात में पी सकते हैं. रोज़ाना आपने सिर्फ एक गिलास पीना है. लाइक 30 ग्राम से ज़्यादा सैफ्रन आपने यूज़ नहीं करना. प्रेगनेंसी में सैफ्रन का ये एक ग्लास दूध बहुत ही हेल्पफुल होता है और बहुत ही हेल्दी होता है. लेकिन थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी प्रेगनेंसी में आपको थोड़ी बहुत ड्राइनेस फील हो सकती है अपने फेस पे. तो मेक श्योर कि प्रेगनेंसी में भी आप 30 ग्राम से ज़्यादा सैफ्रन का इस्तेमाल ना करो, चाहे वो आप अपने फेस के लिए यूज़ कर रहे हो या ड्रिंक के लिए. और सैफ्रन में है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़, जो आपकी स्किन को फेयर एंड ग्लोई बनाएगा. नेक्स्ट हम बनाएंगे फेस पैक फॉर एक्नी प्रॉन स्किन. जिनको एक्नी का बहुत मसला है ये उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है. और इसके लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल. आप किसी भी कंपनी का एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो या आप नेचुरल एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ मैंने 2 स्पून लिए हैं एलोवेरा जेल के और उसमें मैंने सैफ्रन ऐड किया है. आप देख सकते हो केसर ऐड करने पर ही इसका कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है. पहले ये ग्रीन था, अब येलो हो रहा है, क्योंकि केसर जो है अपनी गुण जो है वो इसमें ऐड कर रहा है. तो आप देख सकते हो, आप इसमें केसर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है. एलोवेरा जेल जो है उसके बहुत बेनिफिट्स हैं एक्नी प्रॉन स्किन के लिए. यानी एक्नी को रिड्यूस करता है, आपके फेस पे अगर डिस्कलरेशन है उसको रिड्यूस करता है. इवन अगर आपके एक्नी स्पॉट्स हैं आपके फेस पे उसको ख़त्म करता है. यूवी रेज की वजह से आपकी स्किन की डीएनए जो है वो गड़बड़ हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है अनइवन हो जाती है. यानी आपकी स्किन टोन को भी ठीक करता है. एलोवेरा जेल के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. साथ ही साथ सैफ्रन बहुत ही हेल्पफुल है एक्नी को रिड्यूस करने में. केसर जो है ब्लेमिशेस को दूर करता है, एक्नी स्कार्स को दूर करता है, हमारी स्किन को फेयर एंड ग्लोई बनाता है. हमने इस पैक को रेडी किया, लेकिन इस पैक को बनाने के 15 मिनट बाद हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि केसर जो है वो अपने अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो एलोवेरा जेल में छोड़े. उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे अपने पूरे फेस पे और फिर अप्लाई करने के 15 मिनट्स बाद हम इसे वॉश करेंगे या हम इसे स्पंज की मदद से रिमूव करेंगे अपने फेस पर से. आप देख सकते हो मेरी स्किन बहुत ही ग्लोई नज़र आ रही है. आपको बहुत ही इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा इसको एक बार ही यूज़ करने से. लाइक रात को अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो सुबह में आपकी एक्नी जो है वो बिल्कुल सूख जाएगी. और ये ऑल स्किन टाइप गर्ल्स जो हैं वो यूज़ कर सकती हैं. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्नी प्रॉन स्किन गर्ल्स जो हैं वही ये पैक यूज़ कर सकती हैं. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स. आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को इवन टोन में लाता है, एंड इट इज़ अमेजिंग. सो नेक्स्ट फेस पैक जो है वो है स्किन ब्राइटनिंग के लिए. एंड हम यूज़ करेंगे 1 स्पून सैंडलवुड पाउडर. आप कोई भी ले सकते हो, सैयद गनी का ले सकते हो, pansari.pk का ले सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी. और उसको पेस्ट बनाने के लिए हम दूध यूज़ करेंगे. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो. 15 मिनट्स वेट करने के बाद हम इस पैक को अपने फेस पे अप्लाई करेंगे. इस फेस पैक में मैंने रॉ मिल्क का इस्तेमाल किया है, यानी कच्चा दूध. कच्चे दूध के बहुत सारे फ़वाद हैं आपके स्किन के लिए.
लिए रॉ मिल्क जो है वो पिगमेंटेशन को दूर करता है, आपकी ड्राई स्किन को जो है वो हाइड्रेट करता है, आपकी एक्नी को जो है वो रिड्यूस करता है और इवन सन बर्न को जो है वो ठीक करता है। तो यहाँ पे आप रॉ मिल्क ही यूज़ करोगे, आपकी स्किन अगर बहुत ही ऑयली है तो आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो। सैंडलवुड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, सैंडलवुड में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है, आपकी एजिंग स्किन को ठीक करता है, अगर आपकी ढीली ढाली स्किन है उसको टाइट करता है, इवन आपके सन बर्न को ट्रीट करता है, आपकी स्किन लाइट करता है बिकॉज इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपकी डेड स्किन को रिमूव करता है आपके फेस पर से। और द बेस्ट थिंग कि अगर आपको एक्नी स्कारिंग है और पिगमेंटेशन है तो उसको बिल्कुल ठीक कर देता है, लाइक उसको रिमूव करता है। तो इस पैक को हम अप्लाई करेंगे और तब तक रहने देंगे जब तक कि सूख नहीं जाता, और इसे फिर हम वॉश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा फेस बिल्कुल ब्राइट हो गया है, मेरा नेक यहाँ पे डार्क लग रहा है। मुझे काफ़ी लड़कियाँ कमेंट सेक्शन में बोलती हैं कि नेक को लाइट करने के लिए, लाइक फेयर करने के लिए हम क्या यूज़ करें, तो ये फेस पैक जो है आप अपने नेक पर भी अप्लाई कर सकते हो उसे फेयर बनाने के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट, आप ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना अपना फीडबैक। नेक्स्ट हम इसे मॉइस्चराइज़र क्रीम में किस तरह से ऐड करेंगे, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हिमानी की इंटेंसिव क्रीम थेरेपी एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि द बेस्ट मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, लाइक इट हाइड्रेट्स माई स्किन सो वेल। उसमें मैं ऐड करूँगी एक दो स्ट्रैंड केसर के और उसमें मैं क्रीम ऐड करूँगी और अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। बट मेक श्योर कि ये सिर्फ आप रात में अप्लाई करो अपने फेस पे और देन सो जाओ, क्योंकि ये केसर के जो सारे बेनिफिट्स और सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएं। सुबह जब आप उठो तो आपकी स्किन प्लम और इतने मज़े की होएगी कि आप बोलोगे कि भाई मुझे तो ये फार्मूला हर रात यूज़ करना है बिकॉज आई लव इट। आई नो कि केसर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लाइक बहुत ज़्यादा, तो क्यों इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना बहुत ही महंगी महंगी चीज़ों में, क्योंकि जब ये है एक ऑर्गेनिक तरीका अपनी स्किन को लाइट करने का, फेयर करने का और हेल्दी और ग्लोई बनाने का। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप केसर को जो है इस तरह से मॉइस्चराइजिंग क्रीम में यूज़ करो, क्योंकि केसर आपकी पिगमेंटेशन को दूर करेगा। अगर आपकी अनइवन स्किन है, आपके माउथ के अराउंड ब्लैक एरिया है तो उसको भी रिमूव करेगा। अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं तो मेक श्योर किसी भी सीरम में इसे ऐड करके आप अपने अंडर आइज़ पे लगा सकते हो, या अपनी आई क्रीम में ऐड करके केसर पाउडर को अपनी अंडर आइज़ में लगा सकते हो, तो आपके डार्क सर्कल्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। बट यू हैव टू यूज़ दैट रेगुलरली। देन हम इसे फेशियल मिस्ट में इस्तेमाल करेंगे सैफ्रॉन को, तो उसके लिए हमें चाहिए रोज़ वाटर, सैफ्रॉन एंड होहोबा ऑयल। इसे आप एज अ टोनर भी यूज़ कर सकते हो और ये ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, लाइक इट इज़ सूटेबल फॉर ऑयली स्किन, एक्नी प्रोन स्किन, ड्राई एंड नॉर्मल स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, लाइक ऑल स्किन टाइप। यहाँ पे मैंने सैफ्रॉन थोड़े सा ऐड किया, यानी केसर ऐड किया, और उसके बाद मैंने कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो होहोबा ऑयल के यूज़ किए हैं। अगर आपके पास होहोबा ऑयल नहीं है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग, लाइक यू कैन ऐड रोज़ ऑयल, यू कैन ऐड टी ट्री ऑयल, यू कैन ऐड लेवेंडर ऑयल, कोई सा भी ऑयल, एंड आपकी जो मिस्ट है वो तैयार हो जाएगी। एंड आप इसे दिन में जो टाइम आपको दिल करे आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे। आपने इस तरह से यूज़ करना है, लाइक इसको बस स्प्रे करना है अपने फेस पे और ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा। आप इसे एक वीक तक यूज़ कर सकते हो और इसमें होहोबा ऑयल ऐड है, तो डरो मत ऑयली स्किन वालों, आप लोग भी इस फेशियल मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द बेस्ट फेशियल मिस्ट की मैंने पूरी वीडियो अपलोड की है, तो वो आप आई बटन पे क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी, आप वो भी देख सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने सैफ्रॉन के बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं और किस तरह से आपने इसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको बताया है। इवन आप इसे खाने पीने की चीज़ों में भी ऐड कर सकते हो। आप लोगों के साथ मैं बहुत जल्द एक हेयर मास्क शेयर करूंगी जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत ही अच्छा है और उसमें भी सैफ्रॉन ऐड होता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो आज पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो काइंडली यहाँ प्रेस करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी पिक्चर पर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के लिए। सैफ्रॉन आप कहाँ से ख़रीद सकते हो वह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।